वंदे मातरम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स बाय पीएसए। और आज इस एपिसोड में हम डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले और बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, किस तरीके से हम डेरिवेशन को फाइंड करेंगे। ओके, तो ये तो आप याद कर लीजिएगा, एक तरीके से कॉलम बना लीजिएगा, पेपर बना लीजिएगा फॉर्मूले का, कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स लॉग बेस ई ए, ए जहां पर ग्रेटर देन जीरो ही होता है, वन टू कुछ भी हो, ई लॉग ए बेस एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए, ए ग्रेटर देन जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू वन। फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी आपको याद करने हैं डिफरेंशिएशन के, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जैसे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, सी नाम वाले जितने भी हैं उनका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव आएगा। देखिए, कॉस का डिफरेंशिएशन किया तो नेगेटिव, कॉस का साइन हुआ, ठीक है। कॉट का देखिए, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर आ रहा तो माइनस ये होगा। और कॉसेक का भी चेक कर लेते, कॉसेक एक्स में भी क्या आएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक एक्स। तो कॉस सी नाम वाले जितने उसमें हमेशा नेगेटिव साइन, ये बस ट्रिक बता दिया आपको। अब कुछ रूल की बात कर लें, रूल्स फॉर फाइंडिंग अ डेरिवेटिव, तो इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो फंक्शन दिए रहेंगे, जैसे एक्स और एक ई टू दी पावर एक्स दिया, बोला उसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो प्रोडक्ट में है दोनों एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होता है, एक रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए, देन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, यानी फर्स्ट को एज इट इज लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन करिए, देन प्लस साइन लगाइए, सेकंड को एज इट इज लिखिए और डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करिए। इसी प्रोडक्ट रूल को लेवेनेट रूल भी बोला जाता है, ये हायर क्लासेस में पढ़ते हैं इस नाम से। देन इसी तरीके से क्वेश्चन रूल, यानी पी बाय क्यू फॉर्म में हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा हमारा, ये देखिए फर्स्ट अपॉन सेकंड फंक्शन ऐसा कंसीडर कर लीजिए, तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर नीचे जो भी सेकंड फंक्शन है उसका एज इट इज रहेगा, स्क्वायर कर देना, फिर ऊपर न्यूमरेटर में सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड। या फिर आप बोल सकते हो कि न्यूमरेटर में जो होगा प्रोडक्ट रूल का जस्ट अपोजिट आ जाता है, यानी ये वाला पहले लिख दीजिए, ये वाला बाद में, बस सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। देखिए, ये वाला पहले लिखा है फिर माइनस साइन और ये वाला है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ओके, जैसे भी आपको याद करना है। फिर यदि फॉर एग्जांपल यू प्लस वी का इस तरीके से फॉर्म हो, जैसे एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने को बोला, तो बेसिक एलजेब्रा है, तो आप क्या करेंगे, सेपरेट पहले एक्स यू का सेपरेट कर दीजिए और वी का सेपरेट कर दीजिए, इस तरीके से सबट्रैक्शन में वो दोनों भी सेपरेट कर दीजिए। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। ये देखिए प्रोडक्ट में है दोनों, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, या फिर ये भी पहले लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड से स्टार्ट कर दीजिए, सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि प्लस साइन है। ओके, अब हमने यहां लिख दिया, नाउ यूजिंग प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको क्या मिलेगा, यहां तो डी बाई डी एक्स, ओके एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस कर रहे हैं, अब यहां पर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स को माना तो एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी सेकंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हम आपके सामने रख देते थे आपकी, आपको प्रॉब्लम ना हो फॉर्मूले में, ये दिख रहा होगा। ओके, अब एक्स एज इट इज है कॉन्स्टेंट क्रिएट कर रहा है और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ये आ गया। देन ई टू दी पावर एक्स कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट कर रहा है एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, वन होता है। ओके, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या ले सकते थे, ई टू दी पावर एक्स, तो बचा क्या एक्स प्लस वन। एक और देख लीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये इस पर बता दिया हमने इस वाले फॉर्मूले पे बेसिक एलजेब्रा के रूल पे। यदि इस तरीके से दिया है तो हम क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन है सेपरेट डेरिवेटिव कर देंगे। तो नाउ यूजिंग बेसिक एलजेब्रा रूल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। यहां पर डी वाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का कर दीजिए और एक्स के रेस्पेक्ट में साइन एक्स का, तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का करेंगे तो क्या आएगा वन, और एक्स के रेस्पेक्ट में साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, कॉस एक्स होता। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद हम आगे चेन रूल के बारे में बात कर लेते हैं। चेन रूल जब भी यूज होगा तो क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन, यानी अभी तक जो फंक्शन आपने देखे, देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल फंक्शन लिखे थे, अलून अलून थे, अब कंपोजिट फंक्शन है ना, किस तरीके से फंक्शन, कि देखिए जेड एक फंक्शन है वाई का
और ये y अंदर वाला ये भी फंक्शन किसका, किसी तीसरे का, किसका, x का। तो हम z का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे, हम इस x के डिफरेंस में हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो डी जेड बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप डी इसका सेपरेटली एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा डी जेड बाई डी वाई। फिर वाई का जिसको माना था, क्या वाई कैसा फंक्शन दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाय डी वाई और डी वाई बाय डी एक्स। तो हमने ये दोनों को साथ में लिख दिया, और आप फॉर्मली देखेंगे तो देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स बचेगा, तो ये आपका सही है। इसी तरीके से यदि ऐसा दिया हो डी वाई बाई डी एक्स को, आपने एक वाई फंक्शन यू का दिया और यू फंक्शन एक्स का दिया, तो हम ऐसा लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखिए ये कैंसिल हो रहा है या इस तरीके से टी के फॉर्म में दिया हो फॉर फंक्शन, ये वाई फंक्शन टी के में दिया हो और टी को हमने एक्स के फॉर्म में दिया हो, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि जेड का जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, डेरिवेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एग्जांपल्स देखते हैं तब आपको क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 164 पर दिया एग्जांपल 21 एनसीईआरटी का, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा है ये कंपोजिट फंक्शन है, सिंपल फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि यदि इसकी जगह एक एक्स होता तो वो फंक्शन क्या होता, सिंपल, लेकिन उसके अंदर ही कुछ और दे दिया यानी कंपोजिट हो गया। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स 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 स्क्वायर एज इट इज। अब हमने क्या किया, ये फंक्शन पूरा क्या है इस फॉर्म में, अब इस वाले फंक्शन को एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, कुछ तीसरा क्या मान लिया, यू मान लिया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा अब ये साइन यू, और यू को क्या माना आपने एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक बार वाई को यू के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू और यू किसका फंक्शन एक्स का है, तो यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो यहां पर डी वाई बाई डी यू निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और बस यहां पर u है तो u के फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया cos u। इस तरीके से डी यू डी बाय सॉरी डी यू बाई डी एक्स कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 2x, ये वाले फॉर्मूले से। x टू दी पावर n का क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस वन, तो x टू दी पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x टू दी पावर 2 माइनस वन, तो क्या आएगा 2x। तो इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले से आपका ये आ गया। आप क्या करेंगे, हम ये y पूरा फंक्शन x के रेस्पेक्ट में था, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं dy वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हमने u के फॉर्म में लिया था इसलिए हमने हमारा ये वाला फॉर्मला बन गया। अब वैल्यू रख दिए dy वाई बाई डी यू की वैल्यू क्या थी cos u और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी 2x। अब बच्चों ये पूरा फंक्शन तो हमारा x में चल रहा था, यहाँ u है तो u की वैल्यू क्या थी आपकी एक्स स्क्वायर, तो रख दीजिए तो ये हो गया 2x इंटू cos x स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पेज नंबर 165 पर दिया एग्जांपल 22 एनसीईआरटी का, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेन 2x प्लस 3, ये फाइंड करना हमको। तो हमने क्या मान लिया, ये देखिए ये भी कंपोजिट है क्योंकि हमको सिंपल 10x का डिफरेंशिएशन तो आता है लेकिन इसके अंदर ही कुछ और दे दिया कॉम्प्लिकेटेड, तो ये क्या होगा कंपोजिट फंक्शन। यानी तो हमने इसको क्या मान लेंगे, लेट y इक्वल टू टेन 2x प्लस 3। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है कंपोजिट, तो हम इसको क्या करें सिंपल बनाने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं टी, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू टी यू, जो भी मानना है इसमें t मान के आपको बता दिया, तो y इक्वल टू फंक्शन क्या हो जाएगा 10t, तो ये सिंपल हो गया है ना। और t को क्या माना 2x plus 3, तो ऐसा लिख दीजिए आप एज इट इज। ओके, तो y इज अ फंक्शन ऑफ t और t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y का t के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेपरेटली, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बच्चों, ये होता है क्या sec स्क्वायर x। तो हमने यहां पर लिख दिया dy dt ऑफ sec 10t इक्वल टू sec स्क्वायर t, और ये 2x plus 3, तो 2x का क्या हो जाएगा 2, और ये कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों हमेशा क्या होता है 0, शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, 11th में भी आपने पढ़ा आपको याद होगा, तो 2x का 2 हो गया और 3 का 0, तो ये हो गया। अब dy बाय ये पूरा फंक्शन x के रेस्पेक्ट में था, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dy बाय dt इंटू dt बाय dx चेन रूल से। अब dy बाय dt की वैल्यू sec स्क्वायर t और dt बाय dx की वैल्यू 2, और ये फंक्शन x के में था तो ये पूरा हो गया 2 इंटू sec स्क्वायर t और t की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 3। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।